हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाएंगे, बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका उम्र कितना होना चाहिए तब आपका बाइनेंस में अकाउंट बनेगा। बाइनेंस एप्लीकेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस एक एप्लीकेशन है जिससे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, इंडियन रुपीज में एक्सचेंज कर सकते हो। तो कैसे आपको बाइनेंस में अकाउंट क्रिएट करना है, कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपका क्राइटेरिया किया, आपको कितना आपका उम्र होना चाहिए आपको बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट बना करके आप कोई भी क्रिप्टो और करेंसी को आप चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बाइनेंस अकाउंट कैसे बनाना है। बाइनेंस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है, मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो आई एम न्यू, यहाँ पे क्रिप्टो, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे परमिशन को अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आपको एक्सेप्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइनेंस अकाउंट बनाने का प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के द्वारा, ईमेल आईडी के द्वारा और यहाँ पे आपको अगर आपके पास करंटी कोड यहाँ पे विदाउट कोड के द्वारा बनाना चाहते हो, यहाँ पे गूगल के द्वारा अकाउंट बनाना चाहते हो, यहाँ पे गूगल, यहाँ पे कंटिन्यू भी, तो गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से भी बना सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से भी बना सकते हो, जैसे आपको जिस तरह से आपको बनाना है उस तरह से आप बना सकते हो। चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। आप यहाँ पे ईमेल आईडी के भी द्वारा बना सकते हो और यहाँ पे गूगल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल आप इंटर करेंगे उस पर एक ओटीपी वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोड आ चुका है तो कॉपी करके यहाँ, चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए पासवर्ड का ऑप्शन आया है, यहाँ पे आठ अंक से लेकर के आप 128 अंक तक आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तब यहाँ पे आपको जो तीन ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको ग्रीन टिक यहाँ पे हो जाना चाहिए, तब आपका यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं पासवर्ड को क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन दिया उसमें आपको ग्रीन टिक यहाँ पे लग चुका है, मेरा ग्रीन टिक लग चुका है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वेलकम यहाँ पे डेस्कम आवर बोर्ड यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, उसके बाद यहाँ पे अगर रेफरल आईडी है तो आपको रेफरल आईडी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अगर आपका रेफरल आईडी नहीं है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हो। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये आपको बाइनेंस के वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करके, उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपका केवाईसी वगैरह आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको बैलेंस अकाउंट में आप क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशू आईडी और यहाँ पे आपको लिविंग चेकिंग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपको गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड या आप ड्राइविंग लाइसेंस से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कंट्री है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिया सर्च करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी नेम है पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे फुल नाम इंटर कर देना है। नेम इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे आएगा, इस पर आपको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर लेना है। आपका बर्थडे क्या है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है,
कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको होम, यहाँ पे होम एड्रेस आपको डाल देना, जो भी आपको रेसिडेंस एड्रेस है जहाँ पे अभी प्रेजेंट में आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डाल देना। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट इज योर करेंट रेसिडेंट एड्रेस वाले ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल, यहाँ पे आपको एड्रेस इंटर कर देना जहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे एड्रेस को ब्लर किया है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको आधार कार्ड OTP दिया हुआ, वेरीफाई आधार विथ OTP। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड, यहाँ पे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। नीचे दिया हुआ पासपोर्ट से भी आप कर सकते हो। तो आपको सबसे बेस्ट है यहाँ पे वेरीफाई आधार विथ OTP। अगर आप आधार कार्ड से करते हैं तो आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, फ़ोटो खींच करके दोनों साइड का अपलोड करना होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको है कि आपको आधार कार्ड से कर लेना, आधार वेरिफिकेशन कोड आपको OTP के द्वारा कर लेना। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर इंटर कर लेना है, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे वाले बॉक्स में टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा। OTP जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पे आपको OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। कुछ टाइम आपको वेट करना है OTP आने का। यहाँ पे OTP आ चुका है, तो OTP को मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट मैं कर देता हूँ OTP। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जब वेट करेंगे तो उसके बाद अगला ऑप्शन आपको इंटर पैन नंबर का ऑप्शन आएगा। तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, इस बॉक्स में टिक लगाना है। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो कंटिन्यू कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जैसे ही डालेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे पैन कार्ड पर जो भी नाम रहेगा यहाँ पे आपको आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैन होल्डर नेम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सारा डिटेल को ब्लर करके रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक लगा देना है इस बॉक्स में। उसके बाद नीचे का आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद देख सकते हो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है गो टू होम पेज पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गो टू होम पेज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो गो टू होम पेज, यहाँ पे होम पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हो डिपॉजिट का ऑप्शन दिया हुआ, आप यहाँ से अब डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा, डिपॉजिट योर फर्स्ट क्रिप्टो यहाँ पे आ जाएगा डिपॉजिट का ऑप्शन। तो आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो और यहाँ पे बाय विथ USD। तो आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिपॉजिट करना है। तो आपको उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना हेमेस्टर कॉम्बेट, यहाँ पे हेमेस्टर सर्च कर लेना, हेमेस्टर कॉम्बेट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे चूज नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज करना है नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको उसके बाद नीचे आपको सेव एंड शेयर एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे सेव इमेज का ऑप्शन है, सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस डिटेल को आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको एड्रेस को कॉपी करना है, डिपॉजिट एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बैक जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ से डिपॉजिट जो भी आपका हेमेस्टर कॉम्बेट में जो भी कॉइन रहेगा आपका डिपॉजिट हो जाएगा इसमें। तो आप इसी तरह से आप बाइनेंस ऐप में अकाउंट बना करके आप इस क्रिप्टो करेंसी को आप एक्सचेंज कर सकते हो इंडियन रुपीज में। तो आई होप आपने सीख गया होगा बाइनेंस ऐप में अकाउंट कैसे बनाएंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।